अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि टॉपिक फिनिश नहीं हुआ था उसमें। टॉपिक क्या था लास्ट लेक्चर में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए आप लोग पहले पिछले लेक्चर से रिलेटेड एक 2 मिनट की वीडियो दोबारा सुन लें। कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, पहला स्टेप क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं कंबस्टन एनालिसिस से, कंबस्टन एनालिसिस से, जिसके प्रोडक्ट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड था, और परसेंटेज हमारे पास आ रही थी उनके, उन परसेंटेज को एटॉमिक मासेस पे डिवाइड कर रहे थे, मोल्स आ रहे थे, फिर स्मॉलेस्ट मोल पे सबको डिवाइड कर रहे थे, और फिर सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल होल नंबर रेशो निकाल रहे थे। ठीक, और वही सिंपल होल नंबर रेशो हम एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट में लिखते थे राइट साइड पे। तो वो जो फार्मूला बनता था उसका नाम क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला था। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, ठीक, और हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। तो हम तो थोड़े बहुत उन कंपाउंड्स तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कंपाउंड तो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल, एसिटाइलीन और बेंजीन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH। मॉलिक्यूलर डिफरेंट है और एम्पिरिकल दोनों का सेम है। तो एम्पिरिकल फार्मूले तक पहुंचना, एग्जैक्ट कंपाउंड तक हम नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हमारे पास स्टिल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये कंपाउंड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमने एग्जैक्ट कंपाउंड तक पहुंचना है, सही। अच्छा, तो एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस से आता है, और कंबस्टन एनालिसिस के बाद वो कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक। एम्पिरिकल के बाद हमने जाना है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन करते हैं? उसका फार्मूला क्या है? N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब वो N कहाँ से आता है? उस N के लिए मोलर मास चाहिए। तो आसान अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए एम्पिरिकल भी चाहिए और मोलर मास भी चाहिए। तो मोलर मास अब कहाँ से आता है? मोलर मास दो मेथड से आता है। क्लासिकल से भी आता है, क्लासिकल प्रीवियस वाला मेथड, और मॉडर्न से भी आता है, मॉडर्न बेस्ट है, जाहिर बात है। क्लासिकल मेथड क्या है? मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर डेंसिटी मेथड है, उससे मोलर मास आता है, ठीक। और मॉडर्न मेथड क्या है? मास स्पेक्ट्रम है, जो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो मॉडर्न मेथड हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताता है। तो जब मॉलिक्यूलर मास का पता चले और एम्पिरिकल फार्मूले का भी पता चल गया, तो एम्पिरिकल फार्मूले के मास को हम नीचे लिखेंगे और मोलर मास को ऊपर लिखेंगे, और हमारे पास एन का आंसर आ जाता है, और उस एन को एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इधर तक हम पहुंच गए थे। अच्छा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक और भी मेथड है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने का। अगर कंबस्टन, अगर एम्पिरिकल फार्मूला ना हो, ये पॉइंट गौर से सुन ले, अगर एम्पिरिकल फार्मूला ना हो, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए दो चीजें चाहिए होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा क्या, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है।
लेकिन अगर एम्पेरिकल फार्मूला ना हो और मॉलिक्यूलर मास मौजूद हो तो फिर भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक, आज इस पे भी तकरीबन 4-5 मिनट बात करेंगे, आसान सा मेथड है। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला के विदाउट भी डिटरमिन कर सकते हैं। मोलर मास मस्ट चाहिए होता है, मोलर मास मस्ट चाहिए होता है, मोलर मास तो चाहिए होता है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूले की जरूरत, अगर एम्पेरिकल फार्मूला है तो बेस्ट, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी हमारे पास मेथड्स मौजूद है जिस पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करूंगा मैं, आप लोगों को स्लाइड जो है शो करूंगा लैपटॉप पे, लेकिन पहले मैं इस व्हाइट बोर्ड के जो पॉइंट्स है उसको फिनिश कर दूं। ठीक है, ये स्केच मैंने ड्रा किया है, आसान सा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एम्पेरिकल, एम्पेरिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल, एम्पेरिकल के बाद मॉलिक्यूलर चाहिए, और मॉलिक्यूलर के बाद हमें स्ट्रक्चर पे जाना होगा। क्यों स्ट्रक्चर पे जाते हैं? क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई, किसी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है? द आंसर इज नो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें भी कॉम्प्लेक्सेस नहीं, ठीक, सिंपल साल्ट, सिंपल मॉलिक्यूल, उनमें आइसोमर्स नहीं होते, कॉम्प्लेक्स में फिर बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास आइसोमर्स अवेलेबल है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स का कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा जो है आइसोमर्स पॉसिबल है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आया होता है वो एक से ज्यादा कंपाउंड के लिए पॉसिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो एग्जैक्ट कंपाउंड तो अभी तक हमारे पास नहीं आया है, एग्जैक्ट कंपाउंड, ठीक, क्योंकि ये तो बहुत सारे कंपाउंड का आइसोमेरिक फार्मूला हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड का। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड है, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे जाना होगा, स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। तो जिस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लासिकल और मॉडर्न मेथड से हम डिटरमिन करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, जिस तरह मॉलिक्यूलर मास क्लासिकल से भी करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडर्न से भी करते हैं मास स्पेक्ट्रम, इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला भी क्लासिकल और मॉडर्न मेथड दोनों से हम जो है करते हैं। जाहिर बात है मॉडर्न बेस्ट है, ठीक, और मॉडर्न के ज्यादा जो है अभी डिस्कस करूंगा, मॉडर्न पे टाइम भी कम लगता है, एक्यूरेट भी होता है, सैंपल भी कम रिक्वायर्ड होता है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भी नहीं है, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन भी बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, अच्छा, और क्लासिकल में इसके एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है क्लासिकल से भी कर सकते हैं और मॉडर्न से भी कर सकते हैं। देखो, हम कंपाउंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला पिछले मेथड से भी कर सकते हैं, प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम मॉडर्न मेथड से भी कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और प्रीवियस मेथड जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक नहीं है। ठीक है, स्लाइड में आप लोगों को मैं ये समझाऊंगा। अच्छा, तो अब आते हैं किसकी तरफ, हो जो मैंने इधर बताया था कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना है, एम्पेरिकल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये बातें कल हुई थी, एम्पेरिकल से हमने कल मॉलिक्यूलर डिटरमिन किया था। आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ हु, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, तो स्लाइड्स पे जाता हूं मैं, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा, स्लाइड की तरफ देख ले अब आप लोग। If we don't have empirical formula, बल्कि मैं pointer भी select कर दूं। If we don't have empirical formula, अगर हमारे पास empirical formula मौजूद ना हो, empirical formula मौजूद हो ना हो, molecular formula can also be determined from rule of 13.
मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम रूल ऑफ 13 से भी डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन मस्ट ये बात सुन ले, ये बात जहन में रख ले कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए मोलर मास मस्ट चाहिए होता है। क्या चीज? मोलर मास, ठीक। और रूल ऑफ 13 पे भी हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। रूल ऑफ 13 के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? रूल ऑफ 13 के लिए मास स्पेक्ट्रम का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डेटा चाहिए, मतलब मोलर मास चाहिए हमें। सिंपल बात यह है, क्या चाहिए? मोलर मास। तो एग्जाम्पल देख ले, 2-3 मिनट में ये फिनिश हो जाएगा। सही। अच्छा, रूल ऑफ 13, ठीक। ये आसान आसान पॉइंट है, इसमें कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है, ये असल पॉइंट सी है। अच्छा, आप लोग सुन ले, अब रूल ऑफ 13 क्या है? मोलर मास को 13 पे डिवाइड करना होता है, मोलर मास को 13 पे डिवाइड करना होता है। क्यों 13 पे डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो इसलिए 13 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि 13 इज द मास ऑफ व्हाट? CH। CH का मास 13 है, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये 13 बनता है। तो मोलर मास कहां से आया होता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। उसको हम किस चीज पे डिवाइड करेंगे? देखो ये बात सुन ले कि एम्पिरिकल फार्मूला लेट सपोज मौजूद नहीं है, तो एम्पिरिकल अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर डिटरमिनेंट कर सकते हैं फार्मूला, सही। लेकिन मास चाहिए, मोलर मास उसका चाहिए, 13 भी डिवाइड करते हैं। क्यों 13? क्योंकि 13 सी एच का मास है, ये बेसिक यूनिट है हाइड्रोकार्बन का, CH बेसिक यूनिट 13। तो अगर ये कंपाउंड पूरे का पूरा 13 पे डिवाइड हो गया तो सिर्फ ये आंसर आएगा, और अगर पूरा डिवाइड ना हुआ, आप लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, तो ये R रिमाइंडर कहलाता है। R क्या कहलाता है? रिमाइंडर, ठीक। R के साथ क्या काम करना है? और N के साथ, ये N तो डायरेक्ट C के नीचे भी लिखना है, देखो CN, और ये NH के नीचे भी लिखना है, और H के साथ जो रिमाइंडर आता है वो भी H के साथ प्लस करना है, ठीक। तो एग्जाम्पल ही से समझ आ जाएगी। लेट सपोज हमारे पास मोलर मास क्या आया? 26 आया, 26 मोलर मास आया हाइड्रोकार्बन का, हाँ, कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है लेट सपोज, और 26 मोलर मास आया, तो हम CH पे डिवाइड करेंगे, CH पे, CH 13 है, CH का मास क्या है? 13, 13 पे डिवाइड कर ले, 26 को 13 पे डिवाइड किया, 2 आंसर आया, N हमारे पास क्या आया? 2। यही N हम उठा के इधर भी लगाते हैं, और यही N हम उठा के इधर भी लगाते हैं, और रिमाइंडर 0 है, क्योंकि 26 बाय 13 से तो सिर्फ 2 ही आंसर आता है, ठीक। तो रिमाइंडर इसका कोई नहीं रहा, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया? C2H2। ये हमारे पास इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो बहुत आसान है, और अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा और कंपाउंड है तो फिर उसमें कैलकुलेशन फर्दर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन का तो बहुत इजी है, हाइड्रोकार्बन ही पे प्रैक्टिस करते हैं। लेट सपोज, अब दूसरा एग्जांपल है, मोलर मास 30 है, मोलर मास क्या है? 30। तो मोलर मास 30 है तो हम मोलर मास ऊपर लगाएंगे और 13 पे डिवाइड करेंगे। देखो जो हम इधर कर चुके हैं, 30 बाई 13, तो 13 टूज आर 26, 13 टूज आर, तो 2 मैंने इधर लगाया, 13 टूज आर 26, तो 26 हमने तो 26 को डिवाइड किया है, तो बाकी 4 तो रहता है, तो वो 4 नीचे इस 2 के पीछे लगाएंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 4। तो अब आप लोग ये देख ले, ये रेट फार्मूला आप लोग देख ले, रेट फार्मूला क्या है? CnHn+R। अब हम ये करेंगे, देखो हमारे पास तो 2 है, 30 है, 30 को 13 पे पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा आंसर आता है, तो 2 नेट लगाएंगे, होल नंबर लगाएंगे, 2 इधर भी लगाएंगे, ठीक। N हमारे पास 2 आया है, तो 2 इधर भी लगाएंगे, और ये 2 पीछे भी लगाएंगे, इस N की जगह इधर भी लग गया बिल्कुल, और रिमाइंडर R की जगह लगाएंगे। रिमाइंडर क्या है? 26 और 30 में 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है,
ये 26 ऊपर वाले 26 से रिलेटेड नहीं है, रिमेंबर ये अलग एग्जाम्पल है। 13 टूज आर 26 और 4 स्टिल रहता है, तो ये 4 पीछे लगाएंगे, तो इन दोनों को प्लस कर दे, 2 प्लस 4 इज 6। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आया, C2HO6 आया। एक थर्ड एग्जाम्पल देख लो, ये देखो, लेट सपोज एक कंपाउंड X है, X एक कंपाउंड है, उसका मास स्पेक्ट्रम क्या आया, मास स्पेक्ट्रम की हाईएस्ट पीक मतलब उसका मोलर मास क्या है, 162 है, 162 उसका मोलर मास है, तो 162 को हम डिवाइड करेंगे 13 पे, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो ठीक है, अगर पूरा डिवाइड ना हुआ, अब ये पूरा डिवाइड नहीं होता, देखो 12 तक डिवाइड होता है, फिर 6 इसमें रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, 6 बाय 13, तो हमने सिर्फ 6 को लिखना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो आगे मैं लिख भी चुका हूं, ये देखिए ये 12 कार्बन की नीचे भी लगाएंगे और ये 12 हाइड्रोजन की नीचे भी लगाएंगे, और हाइड्रोजन के साथ ये 6 प्लस भी करेंगे तो 18, तो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या बना, C12H18। तो देखो हमें एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं था, फिर भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूले तक पहुंच गए, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास और एम्पेरिकल से भी आता है, और मोलर मास और रूल ऑफ 13 से भी आता है, ठीक। अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो रूल ऑफ 13 बहुत आसान है, और अगर हाइड्रोकार्बन नहीं है तो फिर भी रूल ऑफ 13 अप्लाई कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर अगर टाइम मिला तो बाद में उस पर डिस्कशन करेंगे, सही है। अच्छा, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो हमने सिलेबस की तरफ ज्यादा फोकस करना है, उसके तरफ वापस आना होगा। ये आजकल आप लोगों के कंबाइन लेक्चर चल रहे हैं, 3 लेक्चर आप लोगों के कम अज कम कंबाइन होंगे, फिर 8 सेमेस्टर का अलग होगा, 4th का अलग होगा, ठीक, FSC वालों का अलग होगा, सबका अलग अलग फिर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ। देखो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले तक पहुंच गए दो मेथड से, एक मेथड हमने कल किया था, ये देखो ये कल वाला मेथड था, किस मेथड से किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी बराबर है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, ये कल का मेथड था। आज का मेथड क्या है, रूल ऑफ 13। हम पहुंच गए मॉलिक्यूलर फार्मूले तक, स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचे। अब बारी है स्ट्रक्चरल फार्मूला की, इस चीज की स्ट्रक्चरल फार्मूला की। स्ट्रक्चरल फार्मूला दो मेथड से कर सकते हैं, एक प्रीवियसली अवेलेबल मेथड है, पिछले मेथड, ओल्ड मेथड्स। प्रीवियस मेथड हम किस चीज से करते हैं, देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला वाज डिटरमिन्ड, दो दफा लिख चुका हो, फ्रॉम नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए होते हैं, केमिकल रिएक्शन चाहिए होते हैं। ओल्ड मेथड है, रिमेंबर प्रीवियस मेथड क्या है, प्रीवियस मेथड स्ट्रक्चरल फार्मूले की ये है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए जो हमने अभी डिटरमिन किया, इसके बाद हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। बट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट 100% एक्यूरेट। ये जो प्रीवियस पिछले मेथड है, ये जो फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेथड है, और ये जो केमिकल रिएक्शन का मेथड है, ये फिजिकल और किसका, केमिकल का, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रीवियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, पिछले मेथड्स में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी तो स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे डिटरमिन किया जाता था, उसका एक एग्जाम्पल सुन ले। लेट सपोज हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया, C2H6O आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या आया, C2H6O, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये C2H6 का एग्जाम्पल नहीं है, ये पिछले में से कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल बात ये न्यू एग्जाम्पल है। लेट सपोज हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O आया, ठीक, ये कंपाउंड क्या हो सकता है, मे बी इथेनॉल, ये इथेनॉल भी हो सकता है, और मे बी डायमिथाइल ईथर भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिजिकल डायमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -25°C है, और ये गैस है, RTP पे, रूम टेम्परेचर पे गैस है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78°C है, और ये लिक्विड है, RTP पे, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। तो अगर जो हमारे पास ये कंपाउंड है C2H6O, अगर ये लिक्विड है तो ये क्या होगा, इथेनॉल होगा, और अगर ये गैस है तो ये क्या होगा, ईथर होगा। तो ये फिजिकल मेथड हो गया, ठीक।
इसी तरह इथेनॉल का अपना स्मेल भी होता है, पाउडर भी होता है, ईथर का अलग होता है, ठीक। ईथर एनेस्थेटिक भी होता है, ज्यादा मोर एनेस्थेटिक, इथेनॉल लेस एनेस्थेटिक होता है, ठीक। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इसको पहचान सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसे, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट हम करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं। ऐड कर दे क्या, सोडियम टू द अबव मेंशन कंपाउंड, ऊपर वाले मेंशन कंपाउंड में क्या ऐड कर ले, सोडियम ऐड कर ले। इफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई तो ये इथेनॉल होगा, क्योंकि इथेनॉल में सोडियम ऐड करने से, इथेनॉल में सोडियम ऐड करने से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि इसमें एसिडिक प्रोटॉन मौजूद है, ठीक। पोलर प्रोटॉन इसमें मौजूद है, पोलर प्रोटॉन, पोलर प्रोटॉन को सोडियम क्या करता है, रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होना इथेनॉल का प्रूफ है, और रिलीज ना होना ये ईथर का प्रूफ है। व्हाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम, इसके साथ सोडियम लिखना होगा। आजकल मॉडर्न मेथड क्या है, नाउडेज बाय इंस्ट्रूमेंटल मेथड, हमारा फोकस क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, मॉडर्न मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन एक और एक्स्ट्रा पॉइंट सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस मेथड हम ज्यादातर उन कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं जिसकी पिछली हिस्ट्री मौजूद हो, जिसके पहले से जो है डेटा मौजूद हो। अब देखो, अगर C2H6O का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 78 निकल आया, तो 78 हमें पहले से पता है, देखो पहले से इसका डेटा मौजूद है, पहले से हमें पता है कि 78 इथेनॉल का है। तो ये जो प्रीवियस मेथड है ये उन कंपाउंड पे एप्लीकेबल होते हैं जिनका पहले से डेटा मौजूद हो। अगर कंपाउंड न्यू है, बिल्कुल न्यू कंपाउंड है, तो फिर आप उसको, मतलब वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ है, फर्स्ट टाइम सिंथिसाइज हुआ है, वो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है, तो फिर हम इसको किस चीज के साथ कंपेयर करेंगे, उसका तो ना मेल्टिंग पॉइंट पहले से होगा ना बॉइलिंग पॉइंट पहले से होगा, ठीक। आप लोग समझ गए बात को, मैं वीडियो थोड़ा ऑन करता हूँ ताकि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा सुन ले, देखो प्रीवियस मेथड तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्यूरेट भी नहीं है, लेकिन अगर कंपाउंड भी न्यू है तो फिर प्रीवियस मेथड क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि जब बिल्कुल न्यू कंपाउंड है, जब बिल्कुल न्यू कंपाउंड है डिस्कवर हुआ या सिंथिसाइज हुआ न्यू कंपाउंड, तो उस न्यू कंपाउंड का तो पहले से ना मेल्टिंग पॉइंट होगा, ना बॉइलिंग पॉइंट अवेलेबल होगा, ना उसका स्टेट ऑफ मैटर अवेलेबल होगा, ठीक, ना उसकी सॉल्युबिलिटी का पता है, ना उसके ऑर्डर का पता है, ना कलर का पता है, उसकी किसी चीज का भी पता नहीं है, वो तो बिल्कुल न्यू डिस्कवर्ड कंपाउंड है। तो न्यू डिस्कवर कंपाउंड जो है वो प्रीवियस मेथड से डिटरमिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मॉडर्न मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है। मॉडर्न मेथड अब क्या है, मॉडर्न मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, मैटर के साथ फोटॉन का इंटरेक्शन, मैटर के साथ फोटॉन का इंटरेक्शन। स्पेक्ट्रोस्कोपी रिमेंबर क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बोथ है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक। और कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है, कुछ सिर्फ जो है क्या है, क्वालिटेटिव है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं मैटर के साथ, कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये फोटॉन मैटर पे पड़ जाए तो मैटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्लाइड में देख ले आप लोग, ठीक, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। मॉडर्न मेथड, हाँ ये वो बातें हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मॉडर्न मेथड क्लासिकल मेथड से ज्यादा एडवांस है, स्मॉल केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं,
ठीक, रैपिड मेथड होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर एक्यूरेट है, लेस केमिस्ट्री है, लेस ह्यूमन एरर के चांसेस है, ठीक है, मोर रिलायबल है। मॉडर्न मेथड नहीं है, मॉडर्न मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोप इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से है? IR, यूवी विजिबल, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, NMR, मास स्पेक्ट्रम। ठीक, मास स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है, स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें फोटॉन इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, तो इंटरेक्शन ऑफ फोटो लाइट विद मैटर, लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन। तो अब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत सारे टाइप्स के, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट का टेबल में आप लोगों को जो है बता रहा हूं। अगर एक्सरे किसी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट कर ले, किसी एटम के साथ एक्सरे इंटरेक्ट कर ले, तो ये एक्सरे क्या काम करता है? ये अंदर के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अंदर की शेल क्या है? आउटर शेल नहीं, मतलब वैलेंस शेल के अलावा निजी जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन बड़े स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो ये इनर्शियल ट्रांजिशन करता है, इनर्शियल ट्रांजिशन करता है। ठीक, ये देखो, ये लेट सपोज ये इनर्शियल है, एक इसकी निकलने से भी, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से भी एक्सरेज जनरेट होते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में भी। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर शेल के इलेक्ट्रॉन के निकल से क्या ने? अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक्सरेज जनरेट होते हैं, इसको हम कहते हैं इनर्शियल एक्साइटेशन और इनर्शियल ट्रांजिशन इसको कहते हैं। तो इनर्शियल एक्सरेज के बम्बारमेंट से अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक, तो ये इनर्शियल ट्रांजिशन कास करता है, ये इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर है, मतलब मैटर मौजूद है, लाइट आ रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इनके इंटरेक्शन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ये फोटॉन एक्सरेज है तो ये इनर्शियल ट्रांजिशन करेगा, अगर ये फोटॉन यूवी है तो यूवी में हमारे पास रेंज है, फार यूवी बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और नियर यूवी वैलेंस शेल एक्साइटेशन करता है, वैलेंस शेल एक्साइटेशन, ये आखिरी शेल, ये वैलेंस कहलाता है, इस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और बाकी कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, लोन पेयर को भी एक्साइट करता है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन एक्साइट करता है? यूवी। ठीक, और फार यूवी बॉन्ड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व है, विजिबल भी वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, विजिबल, और डीडी ट्रांजिशन भी करता है, विजिबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। IR क्या फंक्शन करता है? IR ये फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक। IR मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है? स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, बॉन्ड को वाइब्रेट करना किस रेडिएशन का काम है, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का काम है, किस टाइप के फोटॉन का काम है? IR, इंफ्रारेड, रेड से भी बिलो, तो ये बॉन्ड को क्या करता है? वाइब्रेट करता है। माइक्रोवेव्स क्या काम करता है, जिसकी एनर्जी और भी कम है? ये मॉलिक्यूलर रोटेशन कास करता है, मॉलिक्यूलर रोटेशन, लेकिन कुछ लो एनर्जी के वाइब्रेशन भी ये कास करता है। तो माइक्रोवेव रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व है, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में। रेडियो वेव्स दो फंक्शन करता है, एक तो ये न्यूक्लियर के स्पिन को, प्रोटॉन के स्पिन को चेंज कर सकता है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी चेंज कर सकता है, और प्रोटॉन वाले स्पिन के चेंज को NMR कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ESR कहते हैं, ESR। ठीक है, अच्छा, तो ये आज के लिए सफिशिएंट था, थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।